नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरु जी बाई रविंद्र सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट्स को लेकर के बहुत अच्छी खबर है मेरे भाई। अच्छी खबर क्या कहा जाए, बहुत धमाके वाली खबर है। कहने का मतलब यह है कि आपके लिए अगर कहा जाए बहुत मोटा मोटा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मतलब पाँच महीने, मुश्किल से पाँच महीने आप अपने घर पर रहने वाले हो, इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर। और पाँच महीने मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताया है, और उससे पहले ही होने के चांस बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसी महीने में रिजल्ट आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बात कर रहा हूँ। भाई, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। आज के जितने न्यूज़पेपर देखोगे, चाहे अमर उजाला देखो, चाहे दैनिक जागरण देखो, चाहे हिंदुस्तान समाचार पत्र देखो, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर देखो, सभी में ये खबर आज छपी है कि इसी महीने जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। और कट ऑफ लिस्ट जारी होने का मतलब ये है कि फिजिकल रिजल्ट इसी महीने, मतलब मेरे भाई कि सितंबर में ही फिजिकल आ जाएगा, अक्टूबर लास्ट तक आपकी रनिंग करवा ली जाएगी। अक्टूबर लास्ट मैंने बहुत ज़्यादा बताया है, बहुत जल्दी रनिंग होगा, इसीलिए अपने आप को खुद को तैयार रखें पहले से ही। अगर आपको लग रहा है भाई कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने जी तोड़ मेहनत की है, ऊपर वाले ने हमारी मेहनत देखी है, मेरा इस बार लिस्ट में नाम आएगा, तो भाई बेझिझक आप रनिंग कीजिए, डेली रनिंग कीजिए। दो टाइम ना सही, एक टाइम जरूर कीजिए, क्योंकि अभी दो टाइम करना उचित नहीं है। जब रिजल्ट आ जाए तब दो टाइम करना, वो बात अलग है, लेकिन अभी सुबह सुबह तो आप जरूर दौड़िए, ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने नॉर्मलाइजेशन की वीडियो बनाई उसमें भी मैंने आपको बताया, जब मैंने ऑब्जेक्शन वाली वीडियो बनाई उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपकी जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में आएगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी वो भी बात गलत हो रही है, क्योंकि सितंबर में ही रिजल्ट आने के चांस हैं। मतलब अगर सितंबर में रिजल्ट आपका आ जाता है तो अक्टूबर लास्ट तक रनिंग हो जाएगी, और अगर अक्टूबर लास्ट तक रनिंग हो जाएगी तो वही मेरे भाई दिसंबर जनवरी तक आपका पूरा सब कुछ फाइनल हो जाएगा, और फरवरी में लगभग आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच जाओगे। मार्च की धमाकेदार होली ट्रेनिंग सेंटर पे मिलेगी, ये इतनी अच्छी न्यूज़ है आज की। देख लीजिए, यहाँ पर आपत्ति, जो अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण है वो शुरू कर दिया गया है। आपत्तियाँ, जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया क्वेश्चंस पेपर पे, उसके जो परीक्षण है कि जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं बच्चों के द्वारा वो सही हैं या गलत हैं, या जो मैंने आंसर की में बताया वो सही है या जो बच्चों ने बताया वो सही है, मतलब जो ऑब्जेक्शन लगाया उसका परीक्षण किया जा रहा है। और कट ऑफ लिस्ट इसी महीने, देख लीजिए, सिपाही भर्ती सितंबर आखिरी में शारीरिक दक्षता परीक्षा की जारी हो सकती है सूचना, मतलब सितंबर के आखिरी तक आपकी लिस्ट यानी कि जो फिजिकल के रिजल्ट्स हैं वो जारी किए जा सकते हैं, कट ऑफ लिस्ट जारी की जा सकती है। और जैसे ही फिजिकल रिजल्ट आता है उसके थोड़ी देर बाद, दो चार दस मिनट बाद या कभी कभी साथ ही आ जाता है कि इस तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। कहने का मतलब है कि आपकी डीबी है, और अब की बार ऐसा सुनने में आ रहा है मेरे भाई, जैसा मुझे पता चला है कि अब की बार डीबी और फिजिकल दोनों साथ करवाया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल दोनों साथ करवाया जाएगा, और जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब 60,244 इतने लोगों का सिलेक्शन होगा, और 60,244 को एक साथ ट्रेनिंग सेंटर पर भेजा जाएगा नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो भाई बहुत अच्छी खबर है, पढ़ लीजिए आज का न्यूज़पेपर कितनी अच्छे से बताया गया है। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बीते माह आयोजित लिखित परीक्षा की आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को आपत्तियां भेजी। बोर्ड ने आपत्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को आपत्तियां दाखिल करने का अंतिम दिन है, इसके बाद बोर्ड इनका समाधान करते हुए कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। सूत्रों की माने तो आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र के जटिल होने, गणित के अधिक सवाल पूछे जाने और कुछ उत्तरों में संगतियां होने से संबंधित आपत्तियों से बोर्ड को अवगत कराया है। 23 अगस्त को आयोजित दूसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र जटिल होने पर अंकों का सामान्यीकरण करने की मांग की गई। मैं कहने का मतलब यह है कि 23 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा जटिल शिफ्ट मानी गई है, मतलब यह है मेरे भाई कि सबसे ज्यादा कठिन शिफ्ट मानी गई है। और अगर ये कठिन न्यूज़पेपर में भी बताया जा रहा है, और इसके अलावा जिस पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो गाइस, उन्होंने भी बताया है, कहने का मतलब है अंकित भाटी सर, उन्होंने भी बताया है कि 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि उसके नॉर्मलाइजेशन जो मतलब एवरेज इसको ने बहुत कम आ रहे हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने के चांस बताए जा रहे हैं। और इसके बाद 30 अगस्त की दूसरी पाली की परीक्षा में गणित के कुछ प्रश्नों को लेकर आपत्तियाँ दर्ज की गई। बोर्ड के अधिकारी सभी आपत्तियों का परीक्षण कर रहे हैं ताकि निष्पक्षता और शुचिता के साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। बता दें कि बोर्ड ने परीक्षा को बिना किसी अड़चन करने में सफलता हासिल की है, और कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद स्वीकृत पदों के सापेक्ष करीब 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और
दस्तावेजों के परीक्षण को बुलाएंगे। करीब 3 गुना, कहने का मतलब है वही लगभग 180,000 के करीब कैंडिडेट्स जो हैं ये बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, मतलब दौड़ के लिए, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए सूचना के माने तो सूचना जो है सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी की जा सकती है। कहने का मतलब है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जो रिजल्ट है ये फिजिकल का ये जारी किया जा सकता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये कहेंगे कि सर यहाँ पे सूचना बताइए, सूचना का मतलब वही होता है कि आपके फिजिकल किस तारीख से हैं ये सितंबर लास्ट तक पता चल जाएगा। और भाई अगर सितंबर लास्ट तक फिजिकल कब से है ये पता चल जाएगा तो मतलब रिजल्ट पहले ही आएगा, ये बात तो आप खुद समझते होंगे। और इसके अलावा देख लीजिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों का परीक्षण, दस्तावेजों का परीक्षण मतलब ये डीबी और फिजिकल दोनों एक साथ ही करवाया जाएगा, ऐसा इसमें साफ और सीधे तौर पर लिखा गया है। अगर आप दूसरा न्यूज़पेपर देखोगे तो इसमें भी वही लिखा है कि इस माह के अंत तक जारी होगा कट ऑफ, और यहाँ पे भी पूरा सेम टू सेम बिल्कुल डिटो वही लिखा गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ये बहुत अच्छी खबर रही जो आपके लिए है। और इसके अलावा अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है तो आप गाइस अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अब इसके अलावा ये डाउट ना होना चाहिए कि सर मेरे इतने नंबर हैं मैं रनिंग करूं या ना करूं। भाई दौड़िए, कितने भी नंबर हों आपके उससे मतलब नहीं है, रनिंग कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल जी जान शिद्दत के साथ रनिंग कीजिए और बेहतरीन तरीके से। और इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं कि भाई अभी अगर आप इस चक्कर में हो कि रिजल्ट आएगा, मैं बार बार इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, रिजल्ट आएगा तब मैं रनिंग करूँगा, तो फिर गाइस मौका हाथ से जाने में देर नहीं लगेगा। हमारी बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो गाइस आपके हित में है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके हाथों में है, जैसा भी आप सोचें। तो ये अच्छी अपडेट थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। बाकी गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना मेरे भाई, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त तक जरूर शेयर कर देना जो जिन्होंने भी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है या जो आपके साथी संगति हैं। तो मेरे भाई आज की इसी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन लाजवाब और बहुत इंपॉर्टेंट और खुशखबरी वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके बाद एक और खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।